क्या आपने भी कभी इतने बड़े नेल्स एक्सटेंशन करवाए हैं? करवाए हैं तो मुझे कमेंट से बताना। आज मैं वही करा रही थी। ट्राई कर रही हूँ कि हाथ और पैरों के इतने बड़े बड़े नाखून रखूं। क्या ये पॉसिबल है? मेंटेन कर पाऊंगी मैं ये सब? पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट से बताना। चलो फिलहाल करते हैं वीडियो की शुरुआत। चलो आज मैं दिखाऊंगी कि मैंने कौन से नेल एक्सटेंशंस करवाए। तो सबसे पहले सुबह सुबह के 7 बजे मैंने नेल्स वाले भैया को बुला लिया था, क्योंकि इसी में टाइम लग जाता है 3 घंटे, इसीलिए मैंने सोचा जल्दी काम खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले पैरों के नेल्स एक्सटेंशन कराए, जैसा कि आप देख सकते हो इतने बड़े बड़े मेरा मन था इस बारी नेल्स रखने का, लेकिन भैया ने बोला संभल कर, कहीं पर भी पैर लगा तो उसमें से खून आने लगता है। तो मैंने सोचा अपने पैरों को बचा लिया जाए और छोटे करवा लिया जाए। तो मैंने काफी ट्रिम कर दिए अपने पैर के नेल्स। आप जैसा देख सकते हो बहुत क्यूट लग रहा था मेरा पैर। फिर क्या था, नेल्स करवा रहे हैं और शूट ना करें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों ने नंद भाभी भी शूट कर लिया यहाँ पर। जैसा कि आप देख सकते हो हमारे कैमरामैन, हमारी टीम आ चुकी थी, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत हार्ड वर्किंग है। सब लोग मिलके शूट भी कर रहे थे साथ साथ में और काम भी कर रहे थे। वैसे ये चीज अच्छी है, शूट भी हो जाता है और काम भी हो जाता है। बस मेरा एक पैर हो चुका था, दूसरा होना बाकी था। सच बताऊं तो यहाँ पर 3-4 घंटे कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता, और नींद कब आ जाती है, आपकी आंख कब लग जाती है ये भी पता नहीं चलता। वो तो अच्छा है कि मैं घर पर करवाती हूँ, अगर बाहर करवाऊँ ना तो पता नहीं लोग मेरी कैसी कैसी पिक्चर्स लेके मीम्स डाल दें। सच में इतना सो जाती हूँ मैं करवाते टाइम। खैर पैरों में मैंने बहुत लाइट कलर करवाया था, और आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स में बताना। ज्यादा मुझे चमक धमक नहीं पसंद, इसलिए मैं हमेशा नेल्स लाइट ही करवाती हूँ। पैर के कैसे लग रहे हैं कमेंट्स में बताना। अब बारी थी हाथों की। सबसे पहले मैंने सोचा हाथों में बड़े ही नेल्स रहने देती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े हैं। फिर भैया ने बोला मैम आप ये भी मेंटेन नहीं कर पाओगे, तो मुझे लगा बात तो सही कह रहे हैं, और मेरी दीदी ने भी यही बोला। लखन को भी वीडियो कॉल करके दिखाया, लेकिन सच बताऊं दूसरों के कहने से क्या ही फर्क पड़ता है जब खुद को पता हो। तो मैंने वो भी ट्रिम करवा लिए, इतने ट्रिम करवा लिए ताकि मैं आराम से इचिंग कर पाऊं और अपना काम कर पाऊं, क्योंकि होता है ना लॉन्ग नेल्स में आप कुछ नहीं कर पाते हो। तो बस मैंने ट्रिम करा रही है नेल्स। मन तो था ऐसे ही छोड़ दूं, सच बताऊं जैसे ही मैं नेल्स कराती हूं ना ये कलर मेरे दिल को भा जाता है और मन करता है बस इसी नेल्स को रखो, लेकिन मैंने रेड नेल्स की डिमांड रखी हुई थी। तो बस मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला, और नेल्स होते गए मुझे ये भी पता नहीं चला। अच्छा आप बताओ रेड कलर्स कितने सारे होते हैं, ये मुझे सच बताऊं तो आज पता चला रेड में भी हजारों कलर्स होते हैं। फिर क्या था, मैंने रेड की डिमांड तो रखी थी, उन्होंने खूब सारे रेड नेल पेंट मेरे हाथ में लगा दी और बोला कि आपको जो पसंद आ रहा है हम उसी को लगाएंगे। तो बस 8 नेल पेंट के कलर्स लेकर आए थे वो, मैंने सारे के सारे लगाए और एक चूज कर लिया, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। अब ये रेड कौन सा रेड है, मुझे चेरी या टमाटो में से कुछ लग रहा था। आप बताना आपको कौन सा लग रहा है। बाकी मेरे नेल्स कैसे लग रहे हैं हाथों और पैरों के ये भी मुझे कमेंट्स बताना। और आप करवाते तो कितनी लेंथ रखते हो, मेरी लेंथ आई गेस अच्छी लग रही है। हाथ तो प्रिटी हो ही गए साथ साथ पैर भी हो गए, सच में ये एक अलग ही चमक ले आता है हाथों और पैरों में। और हाँ मैंने काफी गैप देने के बाद ये करवाया क्योंकि राखी आ गई थी। भाई राखी में डबल केयर करना बहुत जरूरी है, और शादी के बाद ही मेरी पहली राखी है तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। मेहंदी का व्लॉग बहुत जल्दी आएगा, मिलते हैं कल सुबह 11 बजे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है, कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताना, और इस तरह प्यार देने के लिए थैंक यू सो वेरी मच।